सीमा हैदर और सचिन मीणा की लव स्टोरी को भला कौन नहीं जानता। दोनों की प्रेम कहानी के चर्चे हर किसी की जुबा पर हैं। अपने पबजी वाले प्यार के लिए पाकिस्तान की सीमा हैदर सरहदें पार कर भारत आ पहुंची। सीमा हैदर और सचिन मीणा इन दिनों पॉपुलैरिटी के मामले में किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं लग रहे। लगातार सीमा हैदर और सचिन मीणा के इंटरव्यू पर इंटरव्यू लिए जा रहे हैं। पुलिस पूछताछ और इंटरव्यू देते देते सीमा हैदर इतनी थक गई कि बीमार पड़ गई और दोनों ने कहा कि वो इसी में इतने बिजी हो गए हैं कि दोनों के पास काम करने का समय नहीं बचा है, जिससे उनके पास खाना खाने तक के लिए पैसे नहीं जुट पा रहे हैं। खैर, इस बीच सीमा और सचिन दोनों के लिए एक दो नहीं तीन तीन गुड न्यूज एक साथ आई है। पहली गुड न्यूज, सीमा और सचिन को गुजरात के एक कारोबारी ने नौकरी देने का ऑफर किया है। कारोबारी ने दोनों को 50,000 रुपए महीने की सैलरी देने की बात भी कही है। 1 जुलाई को ही ग्रेटर नोएडा के रबूपुर गांव में सीमा सचिन के घर एक अनजान चिट्ठी आई, जिसे वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों ने खोला तो पता चला कि चिट्ठी में सीमा सचिन की नौकरी देने की बात है। दोनों के लिए अगली खुशखबरी है कि एक मूवी डायरेक्टर अमित जानी ने दोनों को अपनी फिल्म में काम करने का ऑफर दिया है। वो सीमा के घर जाकर एडवांस में चेक देने को भी तैयार थे, लेकिन सचिन के परिवार ने जांच पूरी होने तक ऐसा कुछ न करने की बात कह दी। तीसरी गुड न्यूज, दोनों के इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल के फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स की गिनती लगातार बढ़ रही है, जिससे आने वाले दिनों में सोशल मीडिया से भी ये दोनों बड़ी कमाई कर सकते हैं। बता दें कि सीमा ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा था कि पहले मैंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट प्राइवेट कर रखा था, लेकिन जब मुझे पता चला कि लोग हमारी वीडियो को शेयर करके पैसा कमा रहे हैं तो मैंने खुद का इंस्टाग्राम अकाउंट पब्लिक कर दिया। उधर सचिन के पिता ने बताया कि हम रोज कमाकर खाने वाले लोग हैं, पुलिस ने हमारा घर से निकलना बंद कर दिया है, जिससे घर में राशन तक नहीं आ पा रहा है। सीमा और सचिन के पास इन ऑफर्स के अलावा और ज्यादा विकल्प भी नहीं है। देखा जाए तो इन ऑफर्स से सचिन और सीमा की तो लॉटरी लग गई है, लेकिन पुलिस जांच के बीच फंसे सीमा सचिन को इसके लिए लंबा रास्ता तय करना होगा।